जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली बहुत दिन से आप लोग ने वेट कर रहा था कि गाजीपुर ताड़ी घाट जो नई रेल लाइन बनने वाली है, यानी गाजीपुर से लेकर और ताड़ी घाट का जो नई जो रेल लाइन है ना वो बन रही है, और यहाँ पे जो है ना वो सीआरएस वगैरह सब कुछ हो चुका है। वैसे अगर बहुत लोगों का ये भी चीज कमेंट आ रहा था कि गाजीपुर से लेकर और मऊ तक जो नई रेल लाइन बन रही है उसकी जो जानकारी है ना वो आप जल्द से जल्द जो है ना वो बताएं, लेकिन मैं आज आप लोग के लिए ला चुका हूँ इस गाजीपुर सिटी से लेकर और पूरा दिलदार नगर रेलवे स्टेशन तक रेलवे ने दो नई ट्रेनों की सौगात है ना वो यहाँ पे दिया है। और ये जो दो नई ट्रेनें हैं ना वो चीज़ आज आपको मैं पूरा बताने वाला हूँ। जो पहली ट्रेन यहाँ पे होने वाली है वो ट्रेन पहले से जो ट्रेन दिलदार नगर से और सोनवल तक जिसका नाम ताड़ी घाट रेलवे स्टेशन अब हो चुका है, मतलब पहले ताड़ी घाट था और अब सोनवल रेलवे स्टेशन जो है ना वो हो चुका है, तो वहाँ तक जो पहले ट्रेन है ना वो चलती थी, लेकिन अब उस ट्रेन को ना रेलवे ने उस ट्रेन को विस्तार करके जो अब ट्रेन को है ना वो गाजीपुर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और उसके बाद से एक और नई ट्रेन जो है ना वो यहाँ पे गाजीपुर सिटी से दिलदार नगर और दिलदार नगर से गाजीपुर सिटी तक जो ट्रेन है ना वो यहाँ पे रेलवे ने लॉन्च किया है। तो चलिए आज मैं आप लोग के लिए पूरा इस पूरी नई ट्रेन की जो जानकारी है ना वो मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद से आपको जो पुरानी यहाँ पे ट्रेन है ना उसकी भी जो जानकारी है ना वो मैं आज आपको बताता हूँ। तो दोस्तों गाजीपुर से सोनवल जाने वाली 9.600 किलोमीटर की जो काम है ना वो रेलवे ने पूरा कर लिया है अगले महीने, जहाँ पे सीआरएस के जो मेन अधिकारी होते हैं वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पे संचालन की जो हरी झंडी है ना वो यहाँ पे दे दिया गया है इस नए रेल रूट पे ना चलने के लिए। पहले से चल रहे दिलदार नगर से और सोनवल तक का जो पैसेंजर ट्रेन का विस्तार है ना वो यहाँ पे गाजीपुर सिटी स्टेशन तक किया गया है। तो चलिए अब मैं आपको पूरा इस नई ट्रेन की जो जानकारी है ना वो मैं आपको बताता हूँ। नई रेल लाइन पर चलने वाली ट्रेन नंबर 05979 मेमू, और ये जो ट्रेन है ना वो मेमू रैक के साथ चलेगी, और जो पुराना जो रैक है ना मतलब जो पुराना जो दिलदार नगर से और अभी सोनवल के बीच में चल रहा है वो जो ट्रेन है ना वो ICF कोचों के साथ चलती थी, लेकिन यहाँ पे रेलवे ने नई ट्रेन जो है ना वो मेमू के लिए दिया है। तो चलिए बात कर लेते हैं नई रेल लाइन पर चलने वाली ट्रेन नंबर 05979 जो मेमू ट्रेन 12 बजे से चलकर आपको 12:15 पे सोनवल, फिर आपका 12:25 पे खुलकर यह जो ट्रेन है वो नगसर सरहुला होते हुए 1:10 पे पहुंचेगी आपका दिलदार नगर रेलवे स्टेशन पे, और यही ट्रेन आपका वापसी में जो ट्रेन है ना वो जो ट्रेन है वो रवाना होगी आपका दिलदार नगर रेलवे स्टेशन से 1:15 पे जो ट्रेन है ना वो दिलदार नगर से रवाना होगी, और यह जो ट्रेन है वो दिलदार नगर सरहुला नगसर होते हुए ये जो ट्रेन है ना वो 2:15 पे सोनवल रेलवे स्टेशन पहुंचेगी, फिर यहाँ से जो ट्रेन है ना वो 2:35 पे रवाना होगी गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन से। तो ये रहा आपका पूरा नई ट्रेन की जो जानकारी है वो। और चलिए अब बात कर लेते हैं सेम उसी रूट पे जो रेलवे ने है ना वो पुराना जो ट्रेन था जो दिलदार नगर से चलकर और आपका सोनवल के बीच चल रहा था, और अब उसी ट्रेन को जो ट्रेन है वो अब गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन तक जो ट्रेन है ना उसको यहाँ पे कर दिया गया है। तो चलिए पुराना ट्रेन की बात कर लेते हैं हम लोग, जिसका ट्रेन नंबर है 03645 जो कि पैसेंजर ट्रेन ICF है, जो कि दिलदार नगर से 11:30 पे चलकर सरहुला नगसर होते हुए 12:20 पे सोनवल पहुंचेगी, और यहाँ पर रुकने के बाद 12:50 पर जो ट्रेन है वो गाजीपुर सिटी पहुंचेगी, और यही जो ट्रेन है वो वापसी में यह ट्रेन 1:30 पे दिलदार नगर के लिए रवाना होगी, जो 2 बजे सोनवल पहुंचेगी, उसके बाद 3 बजे जो है वो दिलदार नगर पहुंचेगी, जहाँ पे इसका बीच में स्टेशन जो है वो यहाँ पे रुकते हुए जाएगी। जैसे आपका नगसर सरहुला होते हुए जो ट्रेन है वो 3 बजे दिलदार नगर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। तो भाई
ये रहा आपका पूरा इस गाजीपुर सिटी से लेकर और पूरा दिलदार नगर रेलवे स्टेशन तक का पूरा नई ट्रेन की जानकारी। तो अगर आपको मैं एक चीज बात बताऊं कि जो ट्रेन है ना वो यहाँ पे गाजीपुर से चलकर और अब दिलदार नगर वासियों के लिए ना भाई बहुत ही ज्यादा जो ट्रेन है ना वो अब यहाँ पे सहूलियत मिल चुकी है, क्योंकि पहले जो ट्रेन थी ना वो दिलदार नगर से सिर्फ सोनवल तक ही यहाँ पे ट्रेनें चला करती थी, लेकिन अब आपको पूरा गाजीपुर सिटी तक जो पूरी ट्रेन की कनेक्टिविटी है ना वो यहाँ पे मिल जाएगी। और ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे अब हम लोग को मुगल सराय जाने के लिए सबसे बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन है ना वो यहाँ पे हम लोग के पास अब हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे किसी और नए ट्रेन की जर्नी और वीडियो में, तब तक जर्नी गॉड ब्लेस यू ऑल आप सभी लोगों का।